सिकटिया पंचायत के बीच काफी जबरदस्त मुकाबला इस ऐतिहासिक रंग पर खेला गया है और जो कि ये पंचायत लेवल का मैच को खेला जा रहा है और हमारे पंचायत को श्री पंकज तिवारी जी की वर्तमान मुखिया है वो खिलाड़ियों से प्रक्रिया समाप्त हो चुका है और जो की बलरामपुर पंचायत को आग्रह है कि अपने जल्द से जल्द के सजा ले और मैच को आरम्भ कर सबसे पहले तो मैं यहाँ के दोनों टीम के प्लेयर सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिनके माध्यम से यह क्रिकेट हो रहा है और हम लोग इस क्रिकेट का लाभ उठाएंगे और यहाँ के जो दृश्य है बहुत रोचक ही दिखने में लग रहा है, इसलिए मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है। बलरामपुर पंचायत ने अपना दूसरा विकेट गवा दिया है तो देखना होगा कि अब कहां से रिकवर कर पाती है बलरामपुर पंचायत की टीम। और नए बल्लेबाज जा रहे हैं आलेख जो कि अमित का स्थान लेंगे और तबतोरे यहां पर विकेटों का पतन हो रहा है। लगातार दो विकेट जिससे पहला ओवर का खेल चल रहा है, सिर्फ 6 रन ही हुए हैं और बलरामपुर पंचायत ने अपना छक्का लगाना चाहते थे अमित, जो कि पहली गेंद पर लगाया था उसके बाद फिर से दूसरी गेंद पर हल्की सी अपील हुई थी और ज्यादा देर नहीं टिक पाए और पहले ओवर में सिर्फ अभी पहला ओवर चल ही रहा है और दो विकेट गवा चुकी है बलरामपुर की टीम। तो दिख रहा है कि सिकटिया की टीम बलरामपुर पर भारी पड़ती हुई क्योंकि सिर्फ 6 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट गवा दिया है बलरामपुर पंचायत की टीम ने और सिकटिया ने बड़ा स्कोर खड़ा किया है। 123 रन बनाया सिकटिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए और 124 रनों का लक्ष्य है बलरामपुर पंचायत के लिए और देखना होगा कि क्या आलेख किस तरह से अपने आप बल्लेबाजों को आगे ले जाते हैं। पहला गेंद सामना करेंगे राजू सांग जी और यहाँ पर खराब गेंद और वह यहाँ पर पहले गेंद पर फिर से छक्का और फिर से राजू खान ने दौड़ना शुरू किया राइट आर्म राउंड विकेट और इस बार हालांकि अच्छी गेंद हल्की सी अपील भी और इसी थर्ड गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होते हुए एक ओवर की समाप्ति के बाद बलरामपुर का स्कोर है यार का है टेंशन लेते रहे पंचायत बनाम सिकटिया के बीच खेला गया जिसमें बलरामपुर पंचायत की टीम ने सिकटिया को 7 विकेटों से हरा दिया, 6 विकेट से हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबला निजुमला बनाम बलहा के बीच इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा जो कि
कल यानी 25 तारीख को इसी ग्राउंड पर 10 बजे से बलहा बनाम मिठुमला के बीच खेला जाएगा। और इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष हैं विशाल, संचालक ए के रॉय, व्यवस्थापक विकास, और आज के हमारे मुख्य अतिथि नंदापुर पंचायत के मुखिया पंकज तिवारी थे। और बता दें आज का जो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार है वह मीरा एकेडमी की तरफ से था, जो कि जनता बाजार में और यहाँ पर 6 से लेकर के 12 क्लास तक साइंस एवं आर्ट्स की पढ़ाई होती है। डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था है जिसके डायरेक्टर है जय कुमार सर। और आज का जो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार है वह रिंकू को जाता है, जिन्होंने 3 ओवरों में सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट झटके हैं। रिंकू से मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्री बॉक्स में आए और कुछ बताएं कि आपने कैसा प्लान किया था। और आज का जो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला है एकेडमी की तरफ से, जो कि एमआरएफ का बैच है, अतिथि से उनका बयान भी आपको हम दिखाएंगे अपने न्यूज चैनल से और जनता बोलेगी से। और एक बार हम जानना चाहेंगे रिंकू जी से कि आपने 3 ओवरों में सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट झटके, और इस आयोजन को लेकर अपने परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहिए? आयोजन जो यहाँ पे है वो बहुत अच्छा है, यहाँ के दर्शकों का भी बहुत अच्छा मतलब योगदान है जो काफी उत्साह बढ़ा रहे हैं। और बॉलिंग का बात है तो बॉलिंग हमने सारा ऑफ साइड में बॉल फेंका और वो लोग ज्यादा लीग में खेल रहे थे, जिसकी वजह से उनका विकेट गया। प्लान करके आप लोगों ने मैच प्लान था आप लोगों का ऑफ साइड में बॉल करना? ये हमारा प्लान था ही, बहुत बहुत स्वागत किया जाए, चाहूंगा मैच दिया जाए हमारे का जो बैच है बिक्की सर के तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है, जो की विजय अकादमी के टीचर है, विजय अकादमी के शिक्षक के तरफ से एमआरएफ का बैच दिया जा रहा है। तालियों से एक बार स्वागत कर दिया जाए। कल का जो मैच है